प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। तभी तो चीन, जापान, कोरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, फारस, रोमन जैसे कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज सिर्फ दो ही प्राचीन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं, एक तक्षशिला और दूसरी नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज थी प्राचीन भारत में जो बहुत ही प्रसिद्ध थी अपने अपने समय में, जिन्हें लोग उतना ज्यादा नहीं जानते, पर उनका योगदान कोई कम नहीं था उन दिनों। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि प्राचीन भारत की 10 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कौन सी थी, कहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, किन्होंने बनवाई थी और कैसे उनका पतन हुआ था, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मोतीलाल ओसवाल हम सबके लिए एक फ्री सर्विस लेकर आई है, क्योंकि मोस्टली बिगिनर शुरुआत में प्रॉपर नॉलेज एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल एडवाइजर ना होने की वजह से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में काफी मुसीबतों का सामना करते हैं। इसलिए आज मोतीलाल ओसवाल हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्ट की कई सारी फ्री एजुकेशन वीडियोज और फ्री एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर भी उपलब्ध करवाती है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को फ्री डीमैट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की बेहतरीन सुविधा भी दे रही है, जहां पे आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल के साथ ही फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन करके आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 25,000 वर्थ बास्केट विच इंक्लूड ऑल देयर एआई बेस्ड टूल्स एंड फर्स्ट मंथ फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के साथ इफेक्टिव तरीके से अपने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आज से ही कर सको। और ये सारी चीजें आपको सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही मिलेगी, क्योंकि इनके मोबाइल ऐप आपको हर छोटी से छोटी चीज के रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड अपडेट कंटिन्यूसली देती रहती है, ताकि आपके हाथ से अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का एक भी मौका गलती से ना निकल जाए। इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत दबदबा बना पाई है, और 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर उनकी बेहतरीन सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। तो अगर आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, नंबर और सिटी एंटर करके मोतीलाल ओसवाल के साथ आज से ही अपने इन्वेस्टमेंट की एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच अस्तित्व में था। उन दिनों यह भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, और यह वो दौर था जब भारत में बौद्ध धर्म अपने सबसे अच्छे दौर में था। इसका निर्माण भी पाल राजवंश के शासक धर्मपाल ने कराया था। यह विश्वविद्यालय उतना ही प्रसिद्ध था जितना नालंदा विश्वविद्यालय था, और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह विश्वविद्यालय बहुत ही खास था। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाने वाले गुरुओं की संख्या 3,000 से ज्यादा थी, तो छात्रों की संख्या कितनी रही होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही यहाँ भी विद्यार्थी जब पूरी शिक्षा अर्जित कर लेता था तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। अपने दौर में भारत का यह सबसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, क्योंकि कोई दूसरे विश्वविद्यालय की ख्याति इतनी नहीं थी कि दूसरे देश के लोग वहां पढ़ने के लिए आए। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के चलते ही एक बार तिब्बत के राजा यहाँ पर आए थे, तभी से तिब्बत के लोगों की यहाँ विशेष रूप से खातिरदारी की जाती थी। पर इस विश्वविद्यालय का विनाश भी एक आक्रमणकारी के द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया था। दूसरा, रत्नागिरी विश्वविद्यालय। रत्नागिरी विश्वविद्यालय का निर्माण भी एक बौद्ध स्मारक के तौर पर किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे करीब 5वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, और इसका परिसर भी बहुत विशाल था, और यहाँ पर भी कई छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तिब्बत की कुछ ऐतिहासिक किताबों में जिनको 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था उसमें भी इस यूनिवर्सिटीज का जिक्र है। यानी यह कहा जा सकता है कि यह विश्वविद्यालय करीब 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास अच्छी स्थिति में था। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर कई तरह के अनुष्ठान करते थे। यहाँ के स्मारकों को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक तरह का तीर्थ स्थल भी रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे विदेशी हमलावरों का भारत में प्रवेश होता गया, वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी का भी पतन होना शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम शासकों ने इस पर हमला करके इसके मूलभूत संरचना को बिगाड़ दिया था, जिससे इस यूनिवर्सिटी का विकास कार्य रुक गया। हालांकि तब भी कई बौद्ध अनुयायी 16वीं सदी तक यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन इसके बाद ये यूनिवर्सिटी भी खंडहर में बदल गई। उसके बाद तीसरी, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी। नालंदा,
तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद यह चौथा ऐसा बहुत विख्यात विश्वविद्यालय था जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इतिहास में बताया गया है कि इसकी स्थापना कलिंग राजाओं ने तीसरी शताब्दी के आसपास करवाई थी। इतिहास का दूसरा पहलू यह भी कहता है कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह वर्तमान उड़ीसा के जयपुर जिले में स्थित था। इसका परिसर इतना विशाल था कि इसकी सीमाएं तीन पहाड़ियों रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से मिलती थी। यह करीब 800 सालों तक अपने चरम अवस्था में रहे थे, लेकिन 11वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया था। उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। प्राचीन भारत में यह विश्वविद्यालय तक्षशिला नाम के शहर में ही था, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि इसकी ख्याति दुनिया के कोने कोने तक फैली थी। पूरी दुनिया से विद्यार्थी यहाँ पर विद्यार्जन करने के लिए आते थे। करीब एक समय उन दिनों 10,500 से भी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर रहते थे और अध्ययन करते थे, और चाणक्य जैसे महान शिक्षाविद इन्हें खुद पढ़ाते थे। हालांकि इसे एक ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को सारा नॉलेज लेने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। यह गुरुओं के ऊपर निर्भर रहता था कि वह कितने स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएंगे। अमूमन एक विद्यार्थी का पूरा कोर्स 8 से 10 साल का होता था, पर अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज हो और उसकी समझ ज्यादा हो तो शिक्षक सभी विषय उसे कम समय में ही पढ़ा देते थे। मौर्य काल में यह विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। कई ग्रीक और यूनानी लेखक यहाँ पर आए थे और उन्होंने तक्षशिला की भव्यता के बारे में भी लिखा है। लेकिन जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया, वैसे ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपने अंतिम समय की तरफ बढ़ने लगी, और 2वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला कंप्लीट विश्वविद्यालय था, क्योंकि यहाँ पर एक तय सिलेबस हुआ करता था, जैसा आज होता है वैसा ही। इसके अलावा पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद विद्यार्थी को सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसके आधार पर वो कहीं पर भी काम कर सकता था। जैसे आज हर विषय की क्लास लगती है, वैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी में भी लगा करती थी। यानी एक तरह से कंप्लीट यूनिवर्सिटीज थी ये। यहाँ पर करीब 10,000 स्टूडेंट और 2,000 गुरु रहते थे। कुमार गुप्त प्रथम ने बिहार के नालंदा शहर में इस यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में बनाया था, जो करीब 13वीं शताब्दी तक चल रही थी। लेकिन तभी एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसने इसे नष्ट कर दिया। गुप्त वंश की समाप्ति के बाद भी जिन शासकों ने नालंदा पर राज किया, उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए योगदान दिया था। यहाँ पर सिर्फ भारत के स्टूडेंट नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और फारस जैसे कई अलग अलग देशों से भी लोग पढ़ने आते थे। उसके बाद वल्लभी यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय आज के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर जिले में आती थी। इसे 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भुट्टारक ने बनवाया था। तब गुप्त वंश अपने पतन के गगार पर ही था। इसका लिखित इतिहास 780 ईस्वी तक का है। इसके बाद पूरी तरह से गायब हो गई थी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि साल 725 से साल 735 के बीच अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था, और पूरी यूनिवर्सिटी इन्हीं आक्रमणों के चलते धीरे धीरे तबाह होती गई, और साल 1200 तक में यहाँ पर सभी एजुकेशनल एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। और बाकी यूनिवर्सिटी की तरह यह भी एक बौद्ध धर्म का केंद्र था। अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चिकित्सा के लिए यह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात था। यह विश्वविद्यालय कितना खास था, इसका सबूत चीन की एक किताब में मिलता है। चीन के एक बौद्ध भिक्षु एनसांग 7वीं सदी के आखिर में जब भारत आए थे, तो उन्होंने काफी कुछ लिखा था भारत के बारे में। अपनी किताब में इस यूनिवर्सिटी की तुलना बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी से की थी इन्होंने। और जब वे यहाँ आए थे, तब करीब 6,000 मॉन्क यहाँ रहते थे। उसके बाद विक्रमपुर यूनिवर्सिटी। विक्रमपुर यूनिवर्सिटी भी एक बौद्ध विहार का केंद्र था, जो वर्तमान बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में बना था। यह यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने साल 820 में बनवाई थी। धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई यह अकेली यूनिवर्सिटी नहीं थी, धर्मपाल ने कुछ 30 बौद्ध विहार बनवाए थे, ये भी उसी का एक हिस्सा था। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चीन, तिब्बत, नेपाल, थाईलैंड जैसे कई देशों से लोग पढ़ाई करने आते थे। संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, विद्यार्थी और शिक्षकों को मिलाकर करीब 8,000 लोग एक समय पर यहाँ रहते थे। साल 1000 के आसपास तक भी बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, और तिब्बत में भी बौद्ध धर्म ही था।
उस वक्त आतिश दीपंकर वहां पर बौद्ध धर्म के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, इनका भी इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन था। उसके बाद सोमपुरा यूनिवर्सिटी, यह विश्वविद्यालय भी वर्तमान बांग्लादेश में बना था। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ यहाँ कानून, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कई जरूरी विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक यह प्रमुख विश्वविद्यालय रहा। इसकी स्थापना का श्रेय पाल वंश को जाता है। पाल वंश ने जिन 30 बौद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी उन सब में यह सबसे बड़ा था। यह 27 एकड़ में फैला हुआ था। इस परिसर में करीब 8,500 लोग रहते थे। जिस तरह सभी प्राचीन विश्वविद्यालय में शुल्क नहीं लेते थे, यहाँ पर भी वही रूल था। इसके कुछ शिलालेख से यह पता चलता है कि महिपाल के शासनकाल में, जो कि सन 995 से 1043 के दौरान था, उसमें इस यूनिवर्सिटी की एक बार मरम्मत करवाई गई थी। यूनिवर्सिटी संचालन के लिए जरूरी धन का बंदोबस्त आसपास के राजा किया करते थे, क्योंकि उनके राजकुमार ऐसे ही विश्वविद्यालयों में पढ़ा करते थे। और हर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करने आते थे। उसके बाद जगदल यूनिवर्सिटी। जगदल बिहार की बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यह उत्तरी बांग्लादेश में बना हुआ था। कहते हैं कि इसे पाल वंश का शासक रामपाल ने बनवाया था। तिब्बत के इतिहास के अनुसार पाल वंश के शासनकाल में 5 प्रमुख विहार बनवाए गए थे, विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, ओदंतपुरी और जगदल। इन 5 केंद्रों के बीच संपर्क बना रहता था और यहाँ काफी अच्छे स्कॉलर होते थे, जो एक विहार से दूसरे विहार में आते जाते रहते थे। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय बताया गया है और जगदल यूनिवर्सिटी व्रजयान संप्रदाय का ज्ञान देता था, यानी व्रजयान संप्रदाय में खास थे। और सक्या श्रीभद्र, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आखिरी मठाधीश थे, जो तिब्बत के ही थे और यहाँ पर पढ़ाया करते थे, उन्होंने साल 1204 में जगदल यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और वापस तिब्बत चले गए थे। ऐसा कहते हैं कि साल 1204 के आसपास यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे इसे आगे चलाना कठिन हो रहा था और आखिरकार साल 1207 तक में इसका संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। उसके बाद ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी आज के बिहार में थी। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी से करीब 10 किलोमीटर दूर इसे बनाया गया था। इसे बनवाने का श्रेय भी पाल वंश के शासकों को जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद यह भारत की दूसरे सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कही जाती है। 8वीं सदी से 12वीं सदी तक यह अपने सबसे अच्छे समय से गुजरी थी। बाकी यूनिवर्सिटीज के जैसे ही इनके बारे में हमारे देश के इतिहास से ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, लेकिन तिब्बत के इतिहास के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में करीब 12,000 विद्यार्थी रहा करते थे। विक्रमशिला के एक आचार्य श्री गंगा ने यहीं से अपनी पढ़ाई की थी और करीब साल 1193 तक यह अच्छे से चलती रही। तभी टर्की के मुस्लिम शासकों का हमला होने लगा। बख्तियार खिलजी भी उनमें से एक था। उसने अपने सैनिकों से कहकर इस यूनिवर्सिटी की दीवारें गिरवा दी और इसी दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसी के सैनिकों ने आग लगा दी थी। और देखते ही देखते प्राचीन भारत के 2 विश्वविद्यालयों का अंत हो गया था। तो ये थे कुछ प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय। ऐसे और भी बहुत से थे। अगर आप जानते हैं इनके बारे में तो उनके नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।